एक बार और एडी कैंगल पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सीआरई टॉपिक क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रल मेथड से। इसके प्रीवियस वीडियो में आपने डिफरेंशियल मेथड और इंटीग्रल मेथड पढ़ रखा है। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, सीआरई एचटीओ एमटीओ और एफएम की भी कुछ वीडियो मेरी इस चैनल पर पड़ी है, आपकी सीरियल वाइज पड़ी है, आप वहां पे बिल्कुल बुक की आपके रिकॉर्डिंग में चल रहा हूं। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आई है तो आप बुक से तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का शुरू करते हैं हम सीआरई से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसके थ्रू? इंटीग्रल मेथड के थ्रू। इंटीग्रल मेथड में आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने का मेथड क्या था, वो ये था कि सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एज्यूम करते हैं। चलिए सर मैंने एज्यूम कर लिया है, क्या एज्यूम किया है कि कोई रिएक्टेंट है, क्योंकि यूनिमॉलिक्यूलर की बात कर रहा हूं इसीलिए एक रिएक्टेंट लिया हूं। क्लियर दैट? ओके। फर्स्ट स्टेप में आपने ये पढ़ा था कि सबसे पहले किसी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एज्यूम करते हैं। मैं मान लेता हूं माइनस आर ए इक्वल टू डेल सी ए अपॉन डी टी, ये रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अगर इसकी ऑर्डर की बात करूं तो अगर मैं मान लू इस रेट ऑफ रिएक्शन का रिएक्ट कॉन्स्टेंट के है तो आपका सी ए के पावर एन हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन के सी ए के पावर एन हो जाता है। चूंकि n है तो n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और ऑर्डर आपका फर्स्ट है, यानी n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, नो डाउट। ओके, सेकेंड स्टेप में मैंने आपको यह बताया था कि रीअरेंज करेंगे तो माइनस होता है तो माइनस डी सी ए अपॉन डी टी हो जाएगा। तो चूंकि रीअरेंज करें यानी सी ए के पावर इधर आ जाएगा और n इज इक्वल टू 1 यानी के सी ए हो गया सी ए और ये के डी टी, नो डाउट। ओके, थर्ड स्टेप में मैंने आपको ये बताया था, नाउ इंटीग्रेटिंग दी एबव इक्वेशन, अब इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ ऐसे होगा डेल सी ए अपॉन सी ए बराबर के और टी। मैंने वहां बताया था कि किसी टाइम जीरो पर आपका कंसेंट्रेशन सी ए नॉट होता है और किसी टाइम टी पर आपका कंसेंट्रेशन सी ए होता है। आपको इसी वीडियो में मैं ये भी प्रूफ करा के दिखाऊंगा किसी कैसे किसी टाइम जीरो पर किसी रिएक्शन का या किसी रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन सी ए नॉट होता है, अभी आप देखेंगे। चलिए फोर्थ स्टेप में, अभी थर्ड स्टेप का ही मैं इंटीग्रेशन करके हमारी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, ये एल एन हो जाएगी वन अपॉन, इसको समझिए जैसे वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है वैसे डेल सी अपॉन वन सी ए का एल एन सी ए होगा, ठीक है। ओके, ये सी ए नॉट, ये हो जाएगा के टी, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जीरो है एक बार टी होगा अपर लिमिट टू लोअर लिमिट के, तो एक बार टी रखेंगे एक बार जीरो के टी माइनस जीरो यानी के टी, ऐसे इसका भी हो जाएगा क्योंकि निगेटिव मार्क्स है तो डायरेक्ट इसका भी रख देता हूं मैं, तो एल एन सी ए माइनस एल एन सी ए नॉट होगा, क्या होगा एल एन सी ए माइनस एल एन सी ए नॉट होगा। लेकिन आप देख रहे हैं इसके आगे यहाँ पे निगेटिव मार्क्स है यानी ये निगेटिव मार्क्स अंदर बुरा होगा तो आप देखेंगे एल एन सी ए नॉट माइनस एल एन सी ए हो जाएगा। ओके, बराबर के इंटू टी आ रही है। अब आप देख रहे हैं चूंकि एल एम माइनस एन की प्रॉपर्टी बन रही है अर्थात इसको मैं लिख सकता हूं एल एम बाई एन यानी सी ए नॉट बाई सी ए लिख सकता हूं बराबर के इंटू टी, ठीक है। ओके, अब एक काम करता हूं मैं इसको कंपेयर करता हूं वाई इक्वल टू एम एक्स से, ठीक है, चूंकि सी तो कांस्टेंट हो जाएगा तो आप इसको कंपेयर करेंगे तो वाई बराबर ये हो जाएगा एम इक्वल टू के हो जाएगा एक्स इक्वल टू टी और सी तो आपका कांस्टेंट है तो आपका कुछ फिगर जो है सर वो कुछ इस क्रम में बनेगा y के टर्म में एल एन सी ए नॉट अपन सी ए हो जाएगा, ठीक है, बहुत इजी है, और x के टर्म में आपका क्या मैंने बोला t हो जाएगा। तो आपका जो ग्राफ बन रहा है आप ये क्या देखेंगे, आपका ग्राफ कुछ इस टर्म में बन रहा है, ये मैंने बताया था कि अगर लीनियर आएगा तो समझिएगा आपका आधा ऑब्जेक्शन सही है, ठीक है। तो कुछ आपका ग्राफ ऐसे टर्म में बनेगा, किसके टर्म में, वाई और एक्स यानी टी और एल एन सी ए नॉट वर्सेस के बीच हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ठीक है ये आप जो देख रहे हैं ये आपकी जो वैल्यू आई है ये वो किस टर्म में है सर, कुछ ऐसा देखिए कंसीडर करिए तो लॉगरिथमिक वैल्यू में आ रही है, ठीक है, ऐसे। अब मैंने आपसे बोला कि कैसे किसी रिएक्टेंट का किसी टाइम जीरो पर कंसेंट्रेशन सी ए नॉट होता है और कैसे किसी टाइम टी पर कंसेंट्रेशन सी ए होता है, चलिए वो देखते हैं। एक काम करिए थोड़ा सा बस आपको समझना ये है कि ये जो निगेटिव मार्क्स है ये इसको डायरेक्ट आप इधर भेज दीजिए, तो अगर आप इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के डी टी हो जाएगा, ठीक है, तो ये टर्म यहां से निगेटिव मार्क्स इधर ये इधर अब ये माइनस के टी यानी ये क्या होगा अब एल एन सी ए, अब ये जो आपका मैं रखा हूं ये एल एन सी ए नॉट ना हो क्योंकि मैं मल्टीपल कर दिया था, अब मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि निगेटिव मार्क्स इधर चला गया, कुछ ऐसे होगा और ये कुछ ऐसे होगा,
ऐसे ही आपकी वैल्यू आ रही है, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसा वैल्यू आपकी आएगी। अब एक काम करता हूं, चूंकि वो लाइक, अब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में करता हूं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोले तो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोले तो सी ए आपको ln हटाना है, तो इसके लिए सी ए नॉट e टू दी पावर माइनस के इंटू टी, ये चूंकि निगेटिव मार्क्स रहेगा यहाँ पे, ln इधर चला जाएगा तो e टू दी पावर माइनस के टी हो जाएगा। और सी ए की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी सी ए नॉट e टू दी पावर माइनस के इंटू टी। ये किस टर्म में होगा? ये हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म में, ठीक है। अब मैंने बोला किसी टाइम जीरो पर, वो चलिए प्रूफ करते हैं। नोट्स आपको मिल जाएगा, नोट्स की चिंता ना करें, नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो को देता हूं। अगर आप नए हैं तो समझ जाइए मेरे चैनल पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि आप किसी भी चीज की टेंशन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा मन लगा के पढ़ना है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ग्राफ प्लॉट करता हूँ किसके किसके बीच, सी ए और टाइम टी, सी ए और किसी टाइम टी के बीच, यानी टाइम टी और ये आपका सी ए के बीच ग्राफ प्लॉट होने जा रहा है। देखिएगा यहाँ पे समझना आपको ये है कि किसी टाइम जीरो पर, मैंने बोला क्या, कंसेंट्रेशन सी ए नॉट होता है। अब मैं प्रूफ करने चल रहा हूँ, अगर सी ए टी बराबर जीरो, यानी आप क्या देखेंगे, सी ए इक्वल टू सी ए नॉट e टू दी पावर ये जीरो, यानी ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यानी e के पावर जीरो और किसी के पावर जीरो यानी वन, यानी सी ए इक्वल टू सी ए नॉट इन टू दी वन, यानी सी ए इक्वल टू सी ए नॉट। तो आपने क्या देखा कि सी ए नॉट की वैल्यू सी ए से ज्यादा, क्योंकि इसमें वन मल्टीपल हुआ, ठीक है। यानी एक बात तो क्लियर हुआ कि जब टाइम जीरो था, जब आपका टाइम यहां था, ठीक है, तो आपकी सी एन आर की वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम थी, यहां पे थी, बिल्कुल समझिए यहां पे थी। अब मैं क्या करता हूं, किसी टाइम टी पर, टाइम को समझिए चल दिया, थोड़ा सा टाइम बढ़ा, तो अब आप देखेंगे सी ए इक्वल टू, इसमें रख रहा हूं सी एन आर e टू दी पावर, अभी इसकी कुछ वैल्यू होगी माइनस में, क्योंकि टाइम कभी माइनस में नहीं होता, तो आपकी ये वैल्यू यहां पर कुछ समथिंग होगा, डाटा कुछ होगी, तो सी ए इक्वल टू सी ए नॉट और ये निगेटिव नीचे आ जाएगा, यानी ई टू दी पावर समथिंग आपका कुछ होगा यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि सी ए नॉट से ही कुछ कम हो रहा है, जो ये वैल्यू है सी ए नॉट की वो कुछ कम हो रही है, क्योंकि देख रहे हैं इसके डिवाइड में है, यानी सी ए नॉट की वैल्यू कुछ कम हो रही है, अर्थात जब टाइम आपका धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है तो सी ए नॉट की वैल्यू कुछ डिक्रीज हो रही है। That's clear. तो यही था किसी टाइम जीरो पर कैसे कंसेंट्रेशन सी ए नॉट होता है, आपने यहाँ प्रूफ किया, और कैसे किसी टाइम टी पर आपकी सी ए की वैल्यू, सी ए नॉट की वैल्यू डिक्रीज होती है। अब एक बात और कर लेते हैं, अगर इतना कर ही लिए हैं तो, मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि किसी भी रिएक्शन के लिए जो कन्वर्जन की वैल्यू होती है, ये मैंने बोला था, वो क्या होती है, कन्वर्जन की वैल्यू यानी मिनिमम जीरो और मैक्सिमम वन होती है। चलिए अभी प्रूफ करते हैं, देखिए सारी चीजें सीआरई अगर आप पढ़ रहे हैं तो याद रखिए ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राफ के थ्रू आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सर अब देखते हैं ये कैसे प्रूव होता है, क्या करना है, मैंने आपको बताया था सी ए इक्वल टू सी ए नॉट वन माइनस एक्स, ये आपने कन्वर्जन के टर्म में फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अभी आपने क्या पढ़ा, सी ए इक्वल टू सी ए नॉट ई टू द पावर माइनस के इनटू टी पढ़ा है, अभी आपने देखा, ठीक है। अब मैं सी ए की वैल्यू रखता हूं, यही सी ए की वैल्यू इसमें रखता हूं, तो क्या होगा, सी ए नॉट वन माइनस एक्स से होगा, और ये सी ए नॉट ऐसे ही रहेगा ई टू द पावर माइनस के इंटू टी होगा। आप एक चीज ध्यान से देखिए, तो सी ए नॉट से डिवाइड हो रहा है, यानी वन माइनस एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के इंटू टी हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ रही है वन माइनस ई टू द पावर माइनस के इंटू टी, कोई डाउट नहीं हो रही। अब चलिए फिर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसके किसके बीच में, एक्स और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। देखिए क्या प्रूफ करना है सर मेरे को, मैंने बोला किसी टाइम जीरो पर, मैंने बोला ना आपसे कन्वर्जन की वैल्यू मिनिमम जीरो होती है, प्रूफ करते हैं कैसे। अब मैं एक एज्यूम किया कि टाइम हमारा जीरो है, यानी एक्स इक्वल टू वन माइनस ई टाइम जीरो, यानी टाइम यानी पूरा टर्म जीरो, यानी ई के पावर पूरा जीरो, और जब किसी के पावर जीरो यानी उसकी वैल्यू वन, तो आपका वन हो जाएगा, यानी वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। दैट्स क्लियर, यानी यही मैं बोल रखा था आपसे कि मिनिमम जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। अब एक काम करते हैं, ये तो था जीरो, अब मैक्सिमम की बात करते हैं, यानी कि जो जीरो का मतलब आपने क्या देखा, जीरो का मतलब आपने ये देखा कि जो कन्वर्जन थी वो क्या होती है, मिनिमम जीरो, किसी टाइम जीरो पर।
अब एक काम करते हैं कि टाइम कुछ आपका वैरी कर रहा है, यानी 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस के, ठीक है, और ए टी का वैल्यू कुछ समथिंग है, यानी कि कुछ होगा, यानी चूंकि 1 ई ई पे पावर माइनस के इंटू टी है, यानी टी की वैल्यू अब कुछ हो जाएगी, यानी ई के पावर समथिंग अब आपको कुछ देखने को मिलेगा, यही एक्स की वैल्यू है। एक मिनट इसको मैं वाइट कर देता हूं, देखिए एक्स 1 माइनस ई के पावर माइनस के, अब टी की वैल्यू आपकी कुछ डाटा यहाँ पे दी होगी, समथिंग मान लीजिए कुछ डाटा दी होगी, तो आप न्यूमेरिकल साफ करेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ई, अब ई के पावर, यानी ये भी कुछ आपका के इनटू समथिंग होगा, यानी ये भी कुछ हो जाएगा, यानी ई के पावर समथिंग हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू आप देखेंगे 1 में से, अब चूंकि ई के पावर समथिंग है, यानी कि हम इसको डिवाइड निगेटिव में आ सकते, तो नीचे लिख सकता हूँ, यानी ई के पावर समथिंग आपको देखने को मिलेगी, यानी एक्स की वैल्यू आप देख रहे हैं 1 में से ही कुछ कम हो रहा है, 1 में से ही कुछ, यानी 1 में से ही कुछ कम हो रहा है, यानी कि कुछ 0. समथिंग आएगा, 0.5 आ सकता है, 0.7 आ सकता है, मतलब 1 से ही कुछ कम आएगा, निगेटिव मार्क नहीं जाएगा, और मैं यही तो प्रूव कर रहा था कि मिनिमम 0 मैक्सिमम 1 हो सकती है, और यही आपका निकल के भी कंक्लूजन आ रहा है, यानी कि आप ये देखेंगे कुछ आपका फिगर ऐसे बनेगा, ठीक है, यानी किसी टाइम 0 पर आपकी मिनिमम थी लेकिन मैक्सिमम क्या होती है 1, यही जो आपकी फिगर कुछ ऐसा ड्रा करते हुए दिखेगी। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया, मैंने 3 चीजें प्रूव की, पहला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे निकाला जाता है किसी इंटीग्रल मेथड के थ्रू, उसके बाद देखा किसी टाइम 0 पर आपका कंसंट्रेशन कैसे CN0 होता है ये भी देखा, और लास्ट में देखा कैसे कन्वर्जन आपका मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो ओनली एक आप हमको लाइक देंगे, जिससे हमारी भी इमोशनल बढ़ती है कि हाँ हमें कोई देख रहा है, क्योंकि यार यकीन रखिए कि पढ़ाई छोड़े हुए तो हमें भी कुछ दिन हो गए, लेकिन आप लोगों की वजह से फिर से मुझे अपनी सारी सिलेबस उठानी पड़ रही है, तो अगर इतनी सारी मेहनत हो रही है तो बस एक लाइक की उम्मीद की है और वो आप शायद दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग माई दिस वीडियो।